एसीआई की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं संधि, और पिछली क्लास में हमने संधि के बारे में जाना था। संधि किसे कहते हैं, संधि के कितने भेद होते हैं, ये सारी बातें हमने पिछली क्लास में कर ली थी। तो जिन विद्यार्थियों ने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है, वो पहले वो देखें, उसके बाद में ये देखें। देखो, यण संधि, इसके बारे में हमने चर्चा की थी। नियम क्या होता है, ई उ री और लरी, इनके बाद में कोई भिन्न स्वर आए तो ई के स्थान पे ये हो जाता है, उ के स्थान पे वह हो जाता है, री के स्थान पे रे हो जाता है, लरी के स्थान पर लय हो जाता है। ठीक है, और कुछ उदाहरण भी मैंने आपको बताए थे, ये चार उदाहरण आपको दिए थे करने के लिए, तो इनको एक बार मैं बता देता हूं आपको। देखो, यहां हमें देखना है लास्ट वर्ण, तो मधु में लास्ट वर्ण क्या है, वो है। अरि में प्रथम वर्ण कौन सा है, ए है। ठीक है, उ के बाद में क्या आ रहा है, ए, तो उ के बाद में भिन्न स्वर आ रहा है, तो उ के स्थान पे क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा। ठीक है, तो हमें करना क्या है, केवल उ के स्थान पे वह करना है और कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है। तो यहां हम कर देते हैं इस उ के स्थान पर वह, हो गया। अब देखो, शेष वर्ण ऐसे कैसे लिखने हैं, यहां मैं और आधा धै शेष है, आगे क्या है, ए और वी है। ठीक है, वह हलंत है, आगे ए है, तो ए इसमें मिल जाएगा, तो ये पूरा हो जाएगा। यहां पे क्या है, मैं आधा धै, वह में ए मिलेगा तो वह पूरा हो गया, आगे क्या है, री है। ठीक है, आधा वर्ण आगे वाले वर्ण के ऊपर चला जाता है, तो धै वै के ऊपर चला जाएगा, तो ये शब्द क्या बन गया, मधुवरी। ये लो, ठीक। दूसरा देखो, सुधी, लास्ट वर्ण क्या है, धै में ई है, आगे क्या है, उपास्य। सबसे पहले यहां जो मात्रा है उसको अलग करना है आपको, ई है, ई को अलग कर लो, यहां पे ऊ था, हमने ऊ को अलग किया था। देखो, सु धै को हलंत करेंगे इसमें से बड़ी ई, आगे क्या है, उपास्य। ओके, अब ई के बाद में कोई भिन्न स्वर आ रहा है, यहां पे ई के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई के स्थान पे क्या हो जाएगा, ये, तो यही करना है हमें, ई के स्थान पे हमें क्या करना है, ये लो, ये हो गई संधि, परिवर्तन हो गया। परिवर्तन करना है क्या है, संधि है। शेष वर्ण ऐसे कैसे लिखो, सु और आधा धे, आगे क्या है, उपास्य, यहाँ पे उपास्य ऐसा कैसा नीचे आ जाएगा। ये के आगे क्या है, उ, तो उ की मात्रा ये के ऊपर लग जाएगी। देखो, सु आधा धे, वे में उ की मात्रा लगेगी, सॉरी ये में, तो यू पास्य, आधा वर्ण आगे वाले के ऊपर चला जाता है, तो ये क्या बन जाएगा, शुद्ध्युपास्य। ओके, इसी प्रकार इनको मिटा देते हैं, आप वीडियो रोक के देख लेना। पितृ प्लस आज्ञा, तय को हलंत करेंगे तो इसमें किसकी मात्रा लगी हुई है, री की, आगे क्या है, आज्ञा, री के बाद भिन्न स्वर, तो री के स्थान पे क्या आएगा, रे, री के स्थान पे क्या आ जाएगा, रे, आ गया। बस परिवर्तन करना है, परिवर्तन करते ही संधि हो जाएगी। यहां शेष क्या है, पी और आधा तय, आगे क्या है, आज्ञा। तय और रे मिलके हमेशा ही किस में बदल जाते हैं, त्रय में बदल जाते हैं, ये पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था। यहां शेष क्या है, पी, तय और रे, त्रय, आगे क्या है, आज्ञा। त्रय के बाद में आ है, आ की मात्रा इसके ऊपर लग जाएगी, तो ये शब्द क्या बन जाएगा, पित्राज्ञा। ओके, यहां पे लरी प्लस आकृति। ठीक है, तो लरी खुद एक स्वर है, लरी के बाद में भिन्न स्वर आ रहा है, तो लरी के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो लरी के स्थान पे क्या हो जाएगा, ले, तो इस लरी के स्थान पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आधा ले, हो गया, परिवर्तन हो गया। यहाँ पे शेष वर्ण ऐसे कैसे लिखने हैं, आकार है,
आ की मात्रा लय के ऊपर लगेगी तो क्या बन जाएगा, लाकार है। ओके, ये थी अपनी यण संधि। अब ये तो बात हुई संधि करने की, लेकिन एग्जाम में तो शब्द भी आता है और उसके विच्छेद करने भी आते हैं, तो एक बार हम शब्दों के विच्छेद और देखेंगे, फिर आगे वाली संधि देखेंगे। चल, शब्द में पहचान कैसे की जाए कि इसमें यण संधि है, तो इसके लिए वैसे तो कोई नियम नहीं है, लेकिन हम यहां से ही नियम बना सकते हैं। देखिए, ई के बाद में कोई भिन्न स्वर आए तो ई के स्थान पे ये आ रहा है, ओके, ई के स्थान पे ये आ जाएगा। जैसे एक शुद्धि प्लस उपास्य, यही देखो, ई के स्थान पे ये आएगा तो ये ध्यादा हो जाएगा ना, और ये में आगे वाला स्वर मिल जाएगा तो ये पूरा हो जाएगा। इसी प्रकार वह के साथ में भी यही होगा, ये तो पूरा हो जाएगा और उ की मात्रा जिसके ऊपर होगी वो आधा हो जाएगा। अर्थात यहां से नियम क्या निकला, ये निकल गया, देखो ये पूरा है और इससे पहले क्या है, आधा व्यंजन वर्ण। अर्थात हम ये कह सकते हैं शब्द में पहचान, देखो ये साथ साथ में नोट कर लेना आप, यदि शब्द के मध्य ये वे तथा रे से पहले आधा व्यंजन वर्ण हो तो वहां यण संधि हो सकती है, या शब्द के प्रारंभ में लय हो। दो शर्त हैं, या तो ये वह रे इनसे पहले आधा व्यंजन वर्ण, या फिर शब्द के प्रारंभ में लय हो तो वहां पर यण संधि हो सकती है। जैसे एक बार इनको नोट कर लो, आप वीडियो रोक के लिख लो, ठीक है। आप देखो आगे, इसको मैं हटा देता हूं यहां से। हम लिखेंगे अब उदाहरण, देखो, मात्रानुमति पहला, दूसरा धात्रंश, तीसरा वाण्यका, चौथा प्रत्येकम, पांचवा न्यूनम, एक और लिख लेते हैं अन्वय लिख लेते हैं। इन शब्दों में आप देखो त्रय, त्रय किन से बनता है, आधा तय आधा रे, इसमें ए मिलाएंगे तो त्रय बनेगा, तो रे से पहले आधा व्यंजन वर्ण तो है ही, नियम लग रहा है यहाँ पे यण संधि होगी, त्रय है ना यहाँ पे, ये भी त्रय है, ये देखो ये से पहले आधा व्यंजन वर्ण ये है, अणे आधा व्यंजन वर्ण ये है, आधा व्यंजन वर्ण ये है, आधा व्यंजन वर्ण वह है, आधा व्यंजन वर्ण। इनके अलावा जैसे लाकार है, लाकृति है और लवतार है, यहां पे देखो प्रारंभ में लय, प्रारंभ में लय, प्रारंभ में लय, तो इन ऐसे शब्दों में कौन सी संधि हो सकती है, यण संधि। हम संधि विच्छेद करके देखेंगे, यदि दो सार्थक शब्द बन रहे हैं वहां यण संधि होगी, अगर नहीं बन रहे तो नहीं होगी। चलो देखते हैं एक एक को, शायद शब्द में पहचान आपको समझ में आ गई होगी, जिसको नहीं आया है एक बार दोबारा बता देता हूं, आपको देखना क्या है, शब्द के मध्य ये वे और रे, ये तीन वर्ण होने चाहिए और इनसे पहले आधा व्यंजन वर्ण होना चाहिए,
क्या होना चाहिए, आधा व्यंजन है वर्ण, जैसे यहाँ पे इन सब में है। देखो अब देखो, एक नंबर मात्र नुमति, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पे हमें ये देखना है ये व रे से पहले आधा व्यंजन वर्ण है क्या, तो त्रय तय और रे है, इसका मतलब इसमें यण संधि है, तो हमें पहचान इससे भी तो इसी के टुकड़े कर लो, मा त्रय के टुकड़े करेंगे, आधा तय आधा रे, इसमें ए की मात्रा है, कोई दिक्कत नहीं है ना ऐसा करने में, ठीक है। ये देखो ओके, अब आगे क्या दिया हुआ है, नुमति, ये ऐसा कैसा लिख दो, नू मैं और ती, ओके। अब अपना ये नियम ये याद होना चाहिए आपको, देखो रे से पहले आधा व्यंजन वर्ण है और रे किसके स्थान पे आता है, यण संधि में रे आता है री के स्थान पे, तो यहां पे ये जो रे है इसके स्थान पे क्या आ जाएगा, री आ जाएगा, ठीक है। रे के स्थान पे क्या आ जाएगा, री, क्योंकि परिवर्तन करना ही संधि होती है, परिवर्तन नहीं करेंगे तो संधि नहीं होगी, यहां पे ये परिवर्तन हो गया ना, रे के स्थान पे क्या, री, ओके। तो अब आगे देखो यहां शेष क्या है, बस वही है जिस प्रकार हम पहले कर रहे थे, परिवर्तन करना है और बाकी वर्णों को ऐसा कैसा लिखना है, और विच्छेद करते समय ध्यान रहे जहां परिवर्तन हो उसके तुरंत बाद आपको प्लस का निशान लगाना है, तो यहां पे रे के स्थान पे री आ गया ना, तो इसके तुरंत बाद हमें क्या लगाना है, प्लस लगाना है, ओके। अब शेष वर्ण ऐसे कैसे, मा और तय, मा और आधा तय, आगे क्या है, यहां से देखो अनुमति, ऐसा कैसा आ जाएगा, अनुमति, ओके ठीक है। अब ये तो वैसे था, तय के बाद में री है तो री की मात्रा तय के ऊपर लग जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा, मातृ प्लस अनुमति, शायद आपको समझ में आ गया होगा, दोबारा से सुन लो, मातृनुमति था, त्रय, त्रय से हमें पता लगा कि इसमें यण संधि है, सबसे पहले त्रय के टुकड़े करो, त्रय के टुकड़े हो गए तय आधा रे ए, ठीक है, रे के स्थान पे री आ गई, बस ये परिवर्तन हो गया। शेष वर्ण ऐसे कैसे लिखे, ओके, जहां परिवर्तन तुरंत बाद क्या लगाना है, प्लस लगाना है, री की मात्रा तय के नीचे लग जाएगी, तो मातृ और शेष अनुमति, ओके, मातृ प्लस से अनुमति बन गया। चलो हटा दूं, आप वीडियो रोक लेना भाई, चलो दूसरा देखो, ये आप स्वयं करें, ये मैं बता देता हूं, वाणिय का, ये से पहले आधा व्यंजन वर्ण है, इसका मतलब इसमें संधि कौन सी है, यण संधि है, और यण संधि में ये के स्थान पे क्या आता है, ई आता है, तो सबसे पहले आपको ये को अलग करना है, वा आधा अणे, ओके, ये को हलंत करेंगे तो इसमें मात्रा किसकी लगी हुई है, ये ध्यान में रखना भाई, ए की मात्रा लगी हुई है, ए ही लिखना है यहाँ पे, ओके, ये बात समझ में आ गई होगी, दोबारा देख लो, यही है मेन चीज, वा का वा लिख दिया, अणे आधा था आधा लिख दिया, ये को हलंत करेंगे, ये हलंत हो गया, इसमें मात्रा किसकी लगी हुई है, ए की, ओके। आगे बच गया क्या, का, ये का, ओके। अब देखो ये किसके स्थान पे आता है, ये आता है ई के स्थान पे, ओके, तो ये के स्थान पे क्या आ जाएगा, ई, ये लो, ये के स्थान पे हम कर देते हैं ई, लेकिन ध्यान रहे यहाँ पे शब्द क्या बनेगा, वाणी बनेगा, वाणी में ई की मात्रा हमेशा ही कौन सी आती है, बड़ी आती है, ये याद रखना है थोड़ा सा, ये बड़ी ई आ गई, ओके। अब देखो शेष वर्ण ऐसे कैसे लिखने हैं, यहाँ शेष क्या है, वा और आधा अण, जहां परिवर्तन तुरंत बाद प्लस लगाना है, ये प्लस लगाया, आगे क्या है, एका, ई की मात्रा अणे के ऊपर लग जाएगी, तो वाणी प्लस है एका, ठीक है, और समझ में आ गया होगा। अब आगे देखो यहां पे इसको हटा देते हैं यहां से, चलो वाणी प्लस एका, ये आप स्वयं करें,
ये भी आप ही करना। अनवे ये मैं बता देता हूं, देखो अनवे है। वैसे पहले आधा व्यंजन वर्ण है, इसका मतलब संधि कौन सी है? यण संधि है। ओके, तो यण संधि में वह किसके स्थान पे आता है? वह आता है उ के स्थान पर। तो यहां पे इस वह के स्थान पे क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा। परिवर्तन करना है तो संधि है, परिवर्तन करना है। इसके लिए हमें सबसे पहले वह को अलग करना पड़ेगा, ठीक है। ए ने आधा है, वह को हलंत करेंगे, इसमें से क्या निकलेगा? एन। समझ में आ गया होगा। आगे क्या है? ये है। ओके, अब देखो आगे। हाँ ये रहा, वह के स्थान पे क्या आ जाएगा? उ आ गया, ये परिवर्तन हो गया। परिवर्तन के तुरंत बाद प्लस लगाना है। यहां शेष वर्ण ऐसे कैसे लिखो? यहां शेष क्या है? ए और आधा ने। आगे क्या है? आए है, ठीक है ना। यहां पे ने हलंत है, आगे उ है, उ मात्रा ने के ऊपर लग जाएगी तो क्या बन जाएगा? अन्नु। और आगे क्या है? आए है, अन्नु प्लस आए है, ये इसके हो गए विच्छेद। लाक आ रहा है, आप कर लेना, ये तो कल करवा दिया था, करने की आवश्यकता नहीं है। ये मैं बता रहा हूं आपको, लव तार है। देखो शुरुआत में लय हो, वहां पर यण संधि हो सकती है। सबसे पहले उस लय को अलग करना है, तो लय को हलंत करेंगे, क्या निकलेगा? ए व ता रह। ओके, अब यण संधि में लय, ये जो आधा लय है ये किसके स्थान पे आता है? ये आता है लरी के स्थान पे। तो लय के स्थान पे क्या आ जाएगा? लरी आ जाएगा। तो ये लो, लय के स्थान पे लरी आ गया। जहां परिवर्तन तुरंत बाद प्लस, और शेष वर्ण हम क्या लेते हैं? ऐसे कैसे? अवे तारे है, लरी प्लस अवतारे है। ओके, तो ये थी अपनी यण संधि, शायद आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और अब हम आगे पढ़ेंगे आयादि संधि, इसको मैं हटा देता हूं। ये बाकी जो उदाहरण है ये आप स्वयं करें। एक दो उदाहरण और बता देता हूं, एक तो ये कर लेना। सॉरी, खलवेश है और हाँ एक ये लिख लो। ये उदाहरण आप स्वयं करें, भ्रात्रादेश है, ये भी आप स्वयं कर लेना। जो नहीं समझ में आए वो पूछ सकते हो आप। ओके चल, अब हम पढ़ेंगे आयादि संधि, ठीक। देखो सूत्र, देखो इसका सूत्र क्या होता है। सूत्र एचो ए वा या वह, एचो ए वा या वह। देखो एच वर्ण, एच एच वर्ण कौन कौन से होते हैं? ए ओ आई औ, ये होते हैं एच वर्ण, ठीक है। एच प्रत्याहार है, इनके स्थान पे आए, ओ के स्थान पे देखो आओ, ये को हलंत करेंगे ए निकलेगा, आगे क्या है वह आओ। आई के स्थान पे आए, औ के स्थान पर आओ, ये हो जाता है जब आगे क्या हो, कोई स्वर वर्ण हो, ठीक है। तो ये तो था सूत्र के अनुसार, अब इसको थोड़ा सरल तरीके से हम देखते हैं। सरल रूप क्या हो जाएगा? देखो
ए आई ओ और औ, इनके बाद कोई स्वर वर्ण आए या आए कोई भी स्वर, तो ए के स्थान पे ए हो जाएगा, आई के स्थान पे आय हो जाएगा, ओ के स्थान पर औ हो जाएगा, औ के स्थान पर आव हो जाता है। यदि ए ऐ ओ औ इनके बाद कोई स्वर वर्ण आए तो ए के स्थान पे ऐ, ऐ के स्थान पे आय, ओ के स्थान पे औ, औ के स्थान पर क्या जाएगा, आव हो जाता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए ने प्लस अनम, यहां पे लास्ट वर्ण क्या है, ए है। देखो ने को हलंत करेंगे इसमें से ए निकलेगा, आगे क्या है अनम दिया हुआ है, ए के स्थान पे क्या आ जाएगा नियम के अनुसार ए, क्योंकि आगे कोई स्वर है ए आ गया। ठीक है, परिवर्तन हो गया, परिवर्तन करने को ही संधि कहते हैं। शेष वर्ण ऐसे कैसे लिखो, यहां हलंत न है ऐसा कैसा, आगे क्या है अनम, न में ए मिलेगा न पूरा हो जाएगा, ये में ए मिलेगा ये पूरा हो जाएगा, आगे क्या है नम, शब्द क्या बन गया नए नम। ठीक है, दूसरा उदाहरण अब आप लिखोगे कैसे इसको वो भी बता देता हूं। आयाति संधि हेडिंग डालनी है, फिर सूत्र लिखना है, फिर सूत्र के नीचे ये लिखना है यदि ए आई ओ औ के बाद कोई भी स्वर वर्ण आए तो इनके स्थान पर क्रमशः है ए आय औ तथा आव आदेश हो जाता है। फिर आपको ये सारणी बनानी है, फिर ये उदाहरण लिखना है, फिर मैं और उदाहरण बता देता हूं। जैसे गई प्लस अक है, देखो ये मात्रा किसकी है आई की, सबसे पहले इसको अलग करो आई, आगे क्या है अक है, आई के बाद कोई भी स्वर आए तो आई के स्थान पे क्या आ जाएगा आय, तो आई के बाद स्थान पे क्या आ गया आय। शेष वर्ण ऐसे कैसे लिखने हैं, यहां आधा गए, आगे क्या है अक है, गे के अंदर आ मिलेगा तो गा बन जाएगा, ये में ए मिलेगा तो ये बन जाएगा, और कह आधा है गाय का है ये बन जाएगा। ओके, शायद आपको समझ में आ गया होगा। चलो इसी प्रकार धव प्लस अक है, ये आप बना लेना, ओ प्लस अनम ये भी आप बना लेना। ओके, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।